नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हील्स पर यानी कि एड़ी के दर्द के बारे में। हम जानेंगे इसके होने का कारण क्या है, साथ ही जानेंगे इसके ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं देवेश यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल होम्यो क्लिक पे। दोस्तों, सबसे पहली बात कि हमारी एड़ी में ये दर्द उठता क्यों है, तो हमारी जो एड़ी की बोन हो गई, पैर के पंजे की बोन है, कैल्शियस बोन, वहाँ पे जब कैल्शियम का डिपॉजिशन हो जाता है, जब हमारे शरीर में एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम रहता है और वो वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, तो एक ओवरग्रोथ बना देता है जो कि वहाँ की मसल्स को और अदर टिश्यू को डैमेज करता है। इसकी वजह से जब भी हम चलते फिरते हैं तो हमारी एड़ी में दर्द होता है। इसके कॉजेज की बात करें तो सबसे पहला कॉजेज तो एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम हो गया दोस्तों, जिसके बारे में मैंने अभी बात करी। इसके अलावा हाई हील पहनने पे या फिर आपके स्ट्रेचिंग आ जाने पे, मसल्स में स्ट्रेचिंग आ जाने पे भी आपको ये परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, प्लैंटर फेसिया मसल जो कि हमारे पैर के पंजों और हील को कवर करती है, अगर उसमें कोई ट्रामा हो रहा है या उसमें कोई टीयरिंग हो रही है तो वहाँ पे भी हमें ये दर्द देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम की। तो दोस्तों, जब आप सो के उठते हैं और आप पैर ज़मीन पर रखते हैं तो उस समय ऐसा फील होता है कि जैसे कि कोई पत्थर धस गया हो या कोई सुई चुभ गई हो। और इसके अलावा दोस्तों, चलने फिरने पे ये लगातार दर्द बना रहता है, लेकिन सुबह के टाइम का दर्द सबसे ज़्यादा रहता है। अब हम बात करते हैं ये किस में रहता है। तो दोस्तों, जो लोग ज़्यादा चलते फिरते हैं या जिनका दिन भर का काम है खड़े होने का, या खिलाड़ी जो दौड़ भाग ज़्यादा करते हैं, उनमें ये चीज़ें देखने को ज़्यादा मिलती हैं। इसके अलावा दोस्तों, ओबेस्ड मैन यानी कि जो लोग मोटे हैं, जिनके बॉडी वेट ज़्यादा है और जिनके हील पर ज़्यादा वेट पड़ता है, ऐसे लोगों में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जो लगातार हाई हील पहनती हैं, उनमें भी ये समस्या देखने को मिलती है। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो दोस्तों, होम्योपैथिक में बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जो इस पर बहुत अच्छा वर्क करती हैं। सबसे पहले मैं थूजा 200 मेडिसिन का नाम लेना चाहूँगा। इसकी हम 200 पोटेंसी यूज़ करेंगे, वीक में एक बार, सप्ताह में एक बार इसे हम यूज़ करेंगे। सीधे टंग डोज ले सकते हैं 2 से 3 बूंद की, या फिर आप ग्लोबियल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं 4 गोली एक बार, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। इसके अलावा दोस्तों, अगली मेडिसिन है कैल्केरिया फ्लोर 6X। दोस्तों, ये मेडिसिन भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इसकी आप 4 टैबलेट दिन भर में 3 बार ले सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम में, ये आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा करेगी। इसके अलावा दोस्तों, रूटा 30 ये हमारे मसल्स पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट करती है। इसकी हम 30 पोटेंसी यूज़ करेंगे और इसकी हम सीधे टंग डोज ले सकते हैं 2 से 3 बूंद की, या फिर हम ग्लोबियल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं 4 गोली। इसको हम दिन भर में 3 बार लेंगे, सुबह, दोपहर और शाम में। दोस्तों, अगली जो मेडिसिन है वो है रस्टॉक्स 30। दोस्तों, ये मेडिसिन भी हमारी कहीं मसल्स में डैमेज होता है तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, और ये भी हमारे पेन में बहुत रिलीफ करेगी। दोस्तों, इसको भी लेने का तरीका वही है, इसको हम सीधे टंग डोज ले सकते हैं सुबह, दोपहर और शाम में 2 से 3 बूंद की, या फिर हम इसको ग्लोब्यूल फॉर्म में यूज़ करेंगे, 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर और 4 गोली शाम में। तो ये थी हील्स पर यानी कि एड़ी के दर्द से जुड़ी कुछ जानकारी और इसके ट्रीटमेंट की होम्योपैथिक दवाएं। दोस्तों, कोई भी दवा लेने के पहले आप अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।